नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। सीएम की अध्यक्षता में बीजेपी विधान मंडल की बैठक बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सभी मंत्री और विधायक इस बैठक में मौजूद रहे हैं। मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक का हिस्सा थे। विधानसभा सत्र से पहले विधान मंडल की बैठक कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा का सत्र, आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। विधानसभा सत्र से पहले विधानमंडल की बैठक, भाजपा विधानमंडल की बैठक थी है, जिसमें भाजपा से जुड़े तमाम जो विधायक थे और एमएलसी उनको बुलाया गया था। और इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना समेत तमाम दिग्गज, दोनों डिप्टी सीएम सभी मौजूद थे। तो वही बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको एक और दे रहे हैं। कल से यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। सत्र से पहले स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्र से पहले स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों में सब आपको नजर आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। और सबसे जो चर्चित चेहरा रहे इस दौरान, बैठक के दौरान, वो थे रघुराज प्रताप सिंह। रघुराज प्रताप सिंह ने सभी से अपील भी की है, कुंडा अरनामगंज क्षेत्र से विधायक हैं और अपील की है उन्होंने, शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। तौकीर, आपसे समझेंगे, पहले विधायक दल की बैठक भाजपा से संबंधित, उससे पहले सपा के विधायकों की बैठक जिसमें आजम खान नहीं पहुंचे थे, शिवपाल नहीं पहुंचे, अब्दुल्ला आजम नहीं पहुंचे। तो वहीं भाजपा की विधायक दल की जब बैठक हुई है तो उसमें साफ तौर पर एक रणनीति तैयार की गई होगी, लेकिन उसके बाद सर्वदलीय बैठक तुरंत बाद, जिसमें भी अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। जारी रहा, सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें अखिलेश यादव नजर नहीं आए, और जो आजम खान है जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होंगे, वो भी नहीं दिखे। लेकिन इस बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल आजम खान लखनऊ पहुंचेंगे और वो शामिल भी होंगे सत्र में भी, और उससे पहले वो शपथ देंगे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनके साथ ही सदन में नजर आना चाहते हैं, ताकि जो भी कंट्रोवर्सी हुई है अब तक, जो मैसेज गए हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच दूरियां बढ़ रही है, आजम खान पार्टी छोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश होगी कि देखिए आजम खान समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। क्योंकि आजम खान ने भी हाल फिलहाल कह भी दिया कि वो एक छोटे से कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, और किसी भी तरह की गलतफहमी ना पाली जाए, वो समाजवादी पार्टी में ही शामिल है। दूसरी तरफ जो कल की बात है, जिस तरह से कल सत्र शुरू होगा, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस है उसने साफ कर दिया है कि जो राशन को लेकर जो वापसी की बात की जा रही है, जो अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, जो अपात्र के नाम पे जो राशन वापसी होगी उसको लेकर वो सदन में इसकी चर्चा करना चाहते हैं, और जो बिजली व्यवस्था है वो चर्चा का विषय होगा। तो कहीं ना कहीं जो इस समय बैठक चल रही है विधानमंडल दल की, भारतीय जनता पार्टी की विधानमंडल की जो बैठक चल रही है, उसमें इसी रणनीति पर काम हो रहा है कि जो भी विपक्ष सवाल उठाएगा उसे जवाब होने चाहिए। जो रोड मैप है अब तक जो डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया, उस रोड मैप को पूरी तरह से सदन में रखा जाए, और जो भी सवाल उनको सही तरीके से जवाब दिया जाए, और विपक्ष को घेरने का बिल्कुल भी मौका ना दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज का पूरा दिन बैठकों की भेंट रहा, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे में विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार को घेरा जाए, पक्ष की कोशिश होगी कि विपक्ष को एक भी मौका ना मिले कि वो हमें घेर पाए। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करने का लाभ सभी देशवासियों को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र के इस फैसले की सराहना की है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करने का लाभ सभी देशवासियों को मिलेगा। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई बढ़ोतरी की ओर है, उस समय महंगाई पर रोक लगाने के लिए 6 महीने में 2 बार एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का निर्णय अभिनंदनीय है। डीजल 7 रुपये और उज्ज्वला योजना के वे सभी लाभार्थी जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक है, उन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त होगी।
एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम पदार्थों पर कम होने का परिणाम प्रत्येक वस्तु के दाम पर भी पड़ेगा, समाज के प्रत्येक तबके को इससे राहत मिलेगी। स्वाभाविक रूप से ये प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी संवेदनशील व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस समय इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी नेता चंद्र कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू महाराज की ओर से ज्ञानवापी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि वाराणसी गंगा जमुनी तहसीब का शहर है और यहाँ पर हर किसी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करना चाहिए, जो न्यायपालिका का आदेश हो उसे स्वीकार करना चाहिए। रही बात ज्ञानवापी की, तो ज्ञानवापी में जितने सर्वे के अनुसार रिपोर्ट मिले हैं उससे ये साबित होता है कि हिंदुओं का मंदिर है और इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा था कि जहाँ पत्थर रख दिया जाता है वहाँ हिंदू मंदिर बन जाते हैं। उस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को सद्बुद्धि यज्ञ कराने की जरूरत है ताकि उनकी बुद्धि सनातन के प्रति शुद्ध हो सके और सद्भावना के प्रति जागरूक हो सके। सुनिए, हमारे साथ वाराणसी के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ज्ञानवापी मुद्दे, जो वादी पक्ष हिंदू पक्ष का दावा है और प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष का दावा है, इसमें कितना हकीकत है, कितना सच है? और बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार मिश्रा जी हैं। हम इनसे जानते हैं, चूंकि ये बनारस के मर्मज्ञ हैं, और बनारस की हकीकत क्या है, काशी विश्वनाथ की हकीकत क्या है, ज्ञानवापी आखिर है क्या, इनसे हम जानते हैं। सर, ज्ञानवापी का तमाम वायरल हो रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। और आज एक हम लोग काशी में रह के और काशी की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी। अब रह गया कि ये बाबा की नगरी है, जहाँ स्वयं जहाँ स्वयं गंगा अपनी रुख मोड़ देती हैं, है ना, जहाँ स्वयं गंगा अपनी रुख मोड़ देती हैं, वो है काशी नगरी। यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो सत्य हैं, असत्य कुछ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि कैसे 356 वर्ष पहले कैसे ऊपर मंदिर के ऊपर कैसे गुंबज बनाया गया, कैसे सारी चीज़ों को तत्व को छुपाने के लिए पूरा उसका मनगढ़ंत एक कहानी बनाया गया। ये सारी चीजें थी, मगर इस पृथ्वी पे कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिस जो इस चीज को उजागर करा सके। तो आज भाजपा का देन है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, और काशी वासियों का। स्वयं भोलेनाथ हैं, स्वयं भोलेनाथ अपनी इच्छा अनुसार ही सब प्रकट हो रहे हैं, सबको अपना रूप दिखा रहे हैं कि मैं जहाँ हूँ उसी जगह हूँ। ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है, ये पूरी दुनिया जानती है, यही सत्य कहानी है। बताइए, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं जहाँ पत्थर रख दो वहीं शिवलिंग मान लो, इस पे क्या राय है आपकी? जिस तरीके का उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, उनके पार्टी के पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया आ रही है, आप भाजपा के नेता हैं और बनारस के सबसे बड़ी मूल निवासी, आप यहाँ के धरातल को जानते हैं, इसमें कितना दम है अखिलेश की बात? एक्चुअली अखिलेश जी भी हिंदू हैं, और दूसरी चीज की काशी के तो कण कण में शिव है, ये सत्य है। उनका कहना एकदम सत्य है कि हर काशी के हर पत्थर में शिव है, और जहां मानो देव नहीं मानो पत्थर, मगर ये काशी वासी के नाते मैं बोल रहा हूँ, न कि भाजपा के नाते बोल रहा हूँ, कि हमारे हिंदू धर्म की बात है। और ये आदिकाल से आप पीछे मान लीजिए, हम लोग तो कोर्ट का फैसला जो भी हो उसको सर्वमान्य होगा, पर इसमें न कोर्ट की जरूरत है, न किसी न्यायालय की जरूरत है। इसमें स्वयं श्रृंगार गौरी का पूजा हुआ, वो भी साक्ष्य मिल गया। भोलेनाथ का पीछे पूरा स्वरूप है। आप जब जाएंगे 3 नंबर गेट से या 2 नंबर गेट है, उस 4 नंबर से, जब 4 नंबर से आप एंट्री करेंगे तो वो जब पीछे का दीवाल गिरा तो पूरा एकदम साक्षात भोलेनाथ का पूरा स्वरूप है। हर चीज, एक एक चीज में पूरा जो है, कब जिसे बोलते हैं ना अखिलेश जी की कंग, मतलब पत्थर में है, तो वास्तव में रियल में काशी के कण कण में, एक एक दीवार में शिव है। तो हमारे साथ चंद्र कुमार मिश्रा जी वरिष्ठ भाजपा नेता थे, इनका कहना है भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती है और ये जो मुद्दा है ये बनारस वासियों का है, हिंदुत्व का है, सनातन का है, और न्यायपालिका पे चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो दोनों पक्षों को भरोसा करना होगा। न्यायपालिका के आदेश का अब इंतजार है, उसके बाद बाबा विश्वनाथ की दरकार है।
कैमरा पर्सन राजेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज अपना आपका कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन राज्य के सामने चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की सख्त आवश्यकता है। सरकार की बद इंतजामी से 20 दिन में लगभग 60 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सरकार यात्रियों के ठहरने, खाने, आने जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इस वजह से रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दे रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश में यात्री दर बदर भटक रहे हैं, कोई उनको सही राह दिखाने वाला नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली के बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा और हिमाचल की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा रही है, उसी क्रम में उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की हार के बाद हम सब लोग मिल करके यहाँ पर धरातल पर आम आदमी पार्टी मजबूती से अपने पैर पसार सके और हम 2027 में सत्ता में आए, इसके लिए हम जिम्मेदारी से काम करें। चुनाव में जब जाते हैं तो हार भी होती है, जीत भी होती है। हम 22 का चुनाव हारे लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर तैनात फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर शुभम पवार ने एक तीर्थयात्री की जान बचाई। दरअसल यमुनोत्री धाम जाते वक्त महाराष्ट्र के तीर्थयात्री का भैरव मंदिर के पास अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिससे यात्री बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे में वहीं ड्यूटी पर तैनात मेडिकल रिस्पॉन्स टीम के कर्मी ने यात्री को तुरंत CPR और ऑक्सीजन दिया। उसके बाद यात्री को अस्पताल भेज दिया गया। CMO डॉक्टर KS चौहान ने बताया कि जिले के दोनों धामों में पर्याप्त डॉक्टरों की तैनाती की गई है, साथ ही जरूरी उपकरण, दवाइयां और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं डॉक्टर रोज यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान यात्रियों को जरूरी सलाह भी दी जा रही है। इसके अलावा पैदल मार्ग पर FMR की भी तैनाती की गई है, ताकि अचानक किसी भी यात्री की अगर तबीयत खराब होती है तो उसको तुरंत मेडिकल सुविधा मिल सके। उनको ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो गई थी, मतलब 28 उनका ऑक्सीजन बता रहा था, ऑक्सीजन लेवल 28 हो गया, 28 था सर। और मतलब उनकी हालत डाउन हो गई थी पूरी, हाँ जी, हाथ पो काम नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उनको CPR दिया सर। अच्छा, CPR से दवाई, फिर मुझे लगा कि ऑक्सीजन दे, फिर मैंने ऑक्सीजन लगाया उनको, हाँ जी, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर 60 हुआ, फिर 90 तक ले गए सर तब। अच्छा, उसके बाद अच्छा हो गया सर। फिर रास्ते तक मैंने नीचे लाया, पोर्टेबल साथ में लाया, अपने आप साथ आया, फिर उनको डॉक्टर साहब के पास पहुँचा के। आपके काम की तारीफ कर रखी थी, मैंने आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, ऐसे ही काम करते रहो, बहुत बढ़िया, हमें आप पे गर्व है।